चंपा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नष्टीगवा में हुए 12 वर्षीय मासूम के कत्ल की साजिश का पर्दाफाश पुलिस ने महज 72 घंटे में कर दिखाया है। वारदात को अंजाम देने वाली निर्मोही माँ और उसके प्रेमी को पुलिस ने धर दबोचा है, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम देना भी स्वीकार कर लिया है। माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े बेटे को अपने हाथों सिर्फ इसलिए मौत की नींद सुला दिया क्योंकि वह प्रेमी से मिलने से माँ को मना कर रहा था। इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए एसपी विवेक लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नष्टीगवा निवासी आदित्य गुप्ता पिता राम बाबू गुप्ता उम्र 12 वर्ष का शव घर के बगल में निर्माणाधीन मकान के अंदर पाया गया था। प्रथम दृष्टया ही मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। बच्चे की हत्या गमछे से गला घोट कर की गई थी। घटना की सूचना पर तत्काल पनवार थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय, डभौरा थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल सहित पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, एएसपी विवेक लाल मौके पर पहुंचे थे और घटना का बारीकी से परीक्षण करने के बाद वारदात का खुलासा जल्द किए जाने का दावा किया था, जिसके बाद जांच में लगी टीम ने साक्ष्य के आधार पर मृतक की मां रानी गुप्ता को थाने पूछताछ के लिए लाई और कुछ ही देर बाद मां ने बच्चे को मौत की नींद सुलाने की कहानी बयां कर दी। दरअसल महिला एक दूसरे व्यक्ति जाहिर अली निवासी सेमरिया से प्यार करती थी, जिसका घर में आना जाना था और इसी का विरोध मृतक मासूम बच्चा करता था, लेकिन महिला के प्यार और प्रेमी को पाने की चाहत ने उसे कातिल बना डाला और मासूम बच्चे को ही गला दबाकर मौत की नींद सुला दी। पुलिस के मुताबिक प्रेमी और प्रेमिका ने वारदात को पहले पूरा प्लान बनाया और फिर जब बेटा सो गया तो मां ने मासूम का गला गमछे से दबाकर हत्या कर दी और शव को पास के निर्माणाधीन मकान में ले जाकर फेंक दिया। हत्या का संदेह उस पर किसी को न हो, इसलिए खुद परिवार के लोगों पर हत्या का संदेह व्यक्त कर पुलिस को गुमराह करने लगी, लेकिन पुलिस के हाथ आखिर कातिल मां और उसके प्रेमी के गिरेबान तक पहुंच ही गए। 15 तारीख की शाम की घटना है। एक गांव है नष्टीगवा, वहां पे एक 13 वर्ष के बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसी सूचना आई थी। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे तो बच्चा घर के बगल में उसके कपड़ा पड़ा हुआ था, पड़ा था। उसके बाद हमने एफएसएल टीम बुलाई और सब कुछ पीएम कराया तो गला दबाने से उसकी मृत्यु होना पाया गया। उसके बाद एसपी साहब और सारे सीनियर अफसर मौके पे पहुंचे और एक टीम का गठन किया वहीं तत्काल। वो टीम ने अच्छे से काम किया और इस हत्या गला दबाने से पाने पर अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी मृतक बच्चे की मां निकली और उसका एक सहयोगी जो उसका तथाकथित प्रेमी बोलेंगे जिसको अवैध संबंध थे, वो दोनों उसकी संलिप्तता भी पाई गई। इस तरह से इन लोगों ने बड़े गहनता से जांच की और इस हत्या का खुलासा किया। बच्चे की हत्या की वजह क्या थी? वो इनके इलिसिट रिलेशन में बीच में आता था, रोक टोक करता। मायका इसका सिमरिया के पास बदतिया ऐसे करके सिमरिया के पास। नहीं नहीं, हत्या कहीं दूसरी जगह हुई थी, उसको उठा के इम्प्लांट किया गया। पति इसका वहां से दूर रह करके मजदूरी करता। तो मालूम था क्या क्या है? हाँ, सबको मालूम। हथियार का उपयोग नहीं हुआ, एक जो गमछा जो था उससे इसका गला गिरफ्तार था। ये विगत 14-15 साल से आना जाना रहता था।